Hello student, myself Neeraj Singh and welcome in incredible physics by Neeraj Singh. तो जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको यूट्यूब के इस चैनल में आप लोगों को मैं सारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के आपके बारे में इन्फॉर्मेशन दो. तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल मास. देखिए स्टूडेंट मैंने बोला ग्रेविटेशनल मास. देखिए इससे पहले वाला जो स्टूडेंट मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको इनर्शियल मास के बारे में पढ़ाया था, लेकिन आज मैं आपको ग्रेविटेशनल मास के बारे में पढ़ाऊंगा. बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स. देखो ग्रेविटेशनल मास, पहली बात तो आप लोग क्लियर रखिएगा स्टूडेंट, किसी भी अननोन बॉडी का अगर आपको ग्रेविटेशनल मास निकालना तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, दैट इज अ फिजिकल बैलेंस. आप लोग जनरली आप लोग जिसे तराजू बोलते हैं, दैट इज फिजिकल बैलेंस होता है. तो इसमें क्या होता है कि राइट हैंड साइड में हम लोग स्टैंडर्ड जो वेट्स होते हैं ना हमारे किलोग्राम इस तरह के, वो हम लोग राइट हैंड साइड में रहे, और लेफ्ट साइड में जो अननोन बॉडी जिसका आपको ग्रेविटेशनल मास निकालना है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, अब हमारा क्या है कि राइट हैंड साइड में नोन होता है और लेफ्ट हैंड साइड अननोन, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं. और कंपेयर करने में अगर जब ये हमारा फिजिकल बैलेंस, क्योंकि फिजिकल बैलेंस स्टूडेंट आप लोग जानते हैं इट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस, मोमेंट ऑफ फोर्स में ये वर्क करता है प्रिंसिपल बैलेंस. तो जब इसकी बीम जो है हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो यानी कि यहाँ का जो वेट होता है वो इसके वेट के बराबर होता है. ओके स्टूडेंट, तो आप सपोज जैसे कि स्टूडेंट आप ये मान लीजिए एक्सेलरेशन आप कॉन्स्टेंट रख लीजिए. मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन आप कॉन्स्टेंट रख लीजिए. अगर एक्सटेंडेंट कॉन्स्टेंट रख ले और आपने कोई एक स्टैंडर्ड मास ले लिया, स्टैंडर्ड मास आप लोग जानते हैं जैसे कि 1 kg मास ले लिया और आपने एक फोर्स अप्लाई करा और इसमें जो एक्सेलरेशन हमारा सपोज कि ए डेवलप हुआ, सपोज ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा डेवलप हुआ, हम यही एक्सेलरेशन जनरेट करना चाहते हैं दूसरी अननोन बॉडी. ये अननोन बॉडी देखिए यहाँ लिखा हुआ अननोन मास, ये अननोन मास है और ये नोन मास है विच इज नोन स्टैंडर्ड मास जिसे कहते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड मास मान हमने 1 kg लिया था. तो 1 kg में हमने क्या किया, एफ नॉट फोर्स अप्लाई करके इसमें ए एक्सेलरेशन जनरेट कर दिया और अब हमने ये बॉडी हटा दी, इसकी जगह हमने दूसरी अननोन मास ले लिया और इसमें हमने सेम यही एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन यहाँ डेवलप हुआ वो एक्सेलरेशन यहाँ जनरेट करने के लिए हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया एफ. यहाँ पे क्या है एफ, क्या देखो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, मास डिफरेंट डिफरेंट है तो देखिए फोर्सेस अलग अलग है. देखिए दोनों जगह देख लिए फोर्स अलग अलग है, स्टैंडर्ड मास के लिए एफ नॉट है और हमारा अननोन मास के लिए हमारा एफ है. ठीक है स्टूडेंट, ये फोर्स अलग अलग हो गया क्योंकि दोनों के जो एक्सेलेरेशन वो सेम है. एक्सेलेरेशन क्या है, बिल्कुल सेम है. और आप लोग जानते हैं स्टूडेंट अगर एक्सेलेरेशन और अगर हमारा एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है दोनों जगह, तो ये चीज ध्यान रखें न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है. ये चीज ध्यान रखें फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है. और प्रोपोर्शनल साइन हटा दिया आपने तो अंडरस्टूड यू विल गेट एफ अपॉन एम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम नॉट. क्या हो गया, एफ नॉट अपॉन एम नॉट, इसमें एफ हो गया आपका अप्लाइड फोर्स ऑन द अननोन बॉडी और एम क्या चीज है, ये ग्रेविटेशनल मास ऑफ द अननोन बॉडी. और एफ नॉट क्या है, ये जो स्टैंडर्ड हमारा जो मास था जिसको 1 kg बोला था उसका अप्लाइड फोर्स है और ये क्या है स्टैंडर्ड हमारा मास यानी कि 1 kg. ठीक है, तो ये एफ अपन एम या एफ नॉट अपन एम ये हमारा एक कॉन्स्टेंट होता है, दैट इज एक्सेलरेशन के बराबर होता है. क्योंकि हमको क्या निकालना, हमको ग्रेविटेशनल मास निकालना. क्या निकालना स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल मास निकालना. तो एम बराबर हो जाएगा हमारा एफ इंटू एम नॉट अपॉन एफ नॉट, ये हमारा निकलेगा. इस फॉर्मूले से हमारा जो एम है वो हमारा ग्रेविटेशनल मास निकलेगा स्टूडेंट. ठीक है, आप लोग ये बस आए तो मैंने ये सारे वेरिएबल्स यहाँ करके दिखा दिया. एम बराबर ग्रेविटेशनल मास ऑफ द अननोन बॉडी हो गया, एम नॉट इज स्टैंडर्ड ग्रेविटेशनल मास 1 kg है. ठीक है, दूसरा एफ इज अप्लाइड फोर्स ऑन द अननोन बॉडी, ये जो अननोन बॉडी है ना ये वाली, ये अननोन बॉडी में अप्लाइड हमने फोर्स लगा दैट इज एफ. और एफ नॉट इज अप्लाइड फोर्स ऑन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बॉडी यानी कि 1 kg वेट वाला, 1 kg वेट वाला ये निकाल लिया. और इस तरह से कंपैरिजन करके हम लोग ग्रेविटेशनल मास हम लोग आराम से निकाल सकते हैं. ओके स्टूडेंट, ये बहुत सिंपल वे मैंने आपको बता दिया. सपोज कि आप यूं समझ लीजिए जैसे कोई आप छोटी सी कार है, सपोज छोटी सी कार है उसमें एक्सेलरेशन मान लीजिए 17 m/s² या 3 m/s² इसका एक्सेलरेशन जनरेट किया. अब ये छोटी सी कार है, अब ये बड़ी सी कार है या ट्रक है तो मानी बात है इतना ही एक्सेलरेशन 3 m/s² एक्सेलरेशन जनरेट करने के लिए आपको इसमें बड़ा इंजन लगाना पड़ेगा. क्योंकि इंजन जो बड़ा होगा मतलब इंजन ही तो है जो कि जो हमारा जो फोर्स अप्लाइड होगा वो हमारा इंजन ही प्रोवाइड करेगा. क्योंकि ये हमारा जो मास जो है ज्यादा है क्योंकि हमने ट्रक इसको एज्यूम किया, इसको छोटी सी कार को एज्यूम किया. तो छोटी कार और बड़े ट्रक में दोनों में सेम एक्सेलरेशन जनरेट करने के लिए हमको बड़े वाले ट्रक में बड़ा इंजन लगाना पड़ेगा और छोटे वाले में छोटा इंजन लगाना है. इंजन का मतलब फोर्स. तो ये ध्यान रखिएगा छोटी कार उसमें फोर्स कम लगेगा और बड़ी कार में फोर्स ज्यादा लगेगा. ओके स्टूडेंट, ये मैंने सिंपल से एग्जांपल से समझ. तो आज का टॉपिक हमारा मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशन मास आप लोगों स्टूडेंट समझ में आ गया होगा. और अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा और फॉर नोटिफिकेशन बेल आइकॉन और अंडरस्टूड अगर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और ये हमारे लेक्चर को आप अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा स्टूडेंट, अपनी लैंग्वेज में नोट्स जरूर बना लीजिएगा. जिस तरह से मैंने डायग्रामेटिक्स चीज को समझाया उसको समझ लीजिएगा. और आप लोग जितनी और स्टूडेंट्स जिनको ये
अच्छा लगा लेक्चर आपको, तो ये लिंक हमारे उधर भी भेज दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट को अगर आपको अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन केमिस्ट्री फिजिक्स के 9, 10, 11, 12 क्लासेस की अगर आपको क्लासेस लेनी है, तो आप लोग मेरा जो कमेंट बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, उसे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ओके बाय बाय स्टूडेंट्स।